आजादी के 75वें अमृत महोत्सव की खुशी में भिलाई इस्पात मजदूर संघ द्वारा सेक्टर 5 स्थित कार्यालय से पद यात्रा का आयोजन किया गया। पद यात्रा में शामिल होने बीएमएस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कार्यालय में उपस्थित हुए और भारत माता की जय के नारों के साथ पद यात्रा का शुभारंभ किया। बीएमएस के कार्यकारी अध्यक्ष चन्ना केशवलू के नेतृत्व में निकली पद यात्रा ने टाउनशिप क्षेत्र का भ्रमण किया। पद यात्रा में लगातार भारत माता की जय के नारे गूंजते रहे। बीएमएस की पद यात्रा का समापन वापस पार्टी कार्यालय में हुआ। इस अवसर पर कार्यकारी अध्यक्ष चन्ना केशवलू और वरिष्ठ नेता संतोष पराशर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में तिरंगा यात्रा रैली का आयोजन जगह जगह पूरे देश में हो रहा है। कल 13 से 15 तक घर घर झंडा फहराने का कार्यक्रम है आदरणीय मोदी जी के आह्वान पर। इस बार आज़ादी की 75वां वर्ष पर सारे देश में खुशी का माहौल है और 75 वर्ष को आज़ादी का बहुत खुशी से मना रहे पूरे देश के लोग और हर जगह हर गली मोहल्ले में तिरंगे यात्रा निकाली जा रही है। हमारे बीएमएस भारतीय इस्पात मजदूर संघ बीएमएस के द्वारा आज आह्वान किया गया था कि आज शाम को 6:30 बजे भिलाई इस्पात मजदूर संघ सेक्टर 5 कार्यालय से सेंट्रल लेवनू ग्लोब चौक होते हुए स्वीप सेंटर से बेरोजगार होते हुए आज सेक्टर 5 कार्यालय में रैली का समापन हुआ है। मैं सारे हमारे बीएमएस के पदाधिकारी कार्यकर्ता युवा साथी और अन्य संगठन से जुड़े हुए सारे सामाजिक कार्यकर्ता इस रैली में शामिल हुए, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आने वाले समय में भी आह्वान करता हूँ 15 तारीख तक जगह जगह हर रैली में आप लोग शामिल होइए और अपना देश के वासियों का मनोबल बढ़ाइए। आज आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर भारतीय मजदूर संघ द्वारा इस तिरंगा रैली का आयोजन किया गया था। यह तिरंगा रैली सेक्टर 5 स्थित कार्यालय से प्रारंभ होकर ग्लोब चौक होते हुए सिविक सेंटर और सिविक सेंटर से पुनः कार्यालय भारतीय मजदूर संघ के कार्यालय में समाप्त हुई। इस दौरान काफ़ी अधिक संख्या में युवा लोगों ने, यहाँ के नागरिकों ने अपना सहयोग दिया और इस रैली को सफल बनाया। मैं उन सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और भारत देश के समस्त नागरिकों को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर सबको शुभकामनाएं देता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। हमारा महान देश भारत, हमारे देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तरक्की कर रहे हैं और शुभकामनाएं मैं इस अवसर पर सभी लोगों को देना चाहता हूँ और मेरी यही शुभकामना है हमारा देश तरक्की करे, आगे बढ़े, हर क्षेत्र में आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत।